दोस्तों, अगर आपको बड़े साइज का शर्ट कटिंग करने में दिक्कत आती है तो आज के ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि आपको लूज फिटिंग वाला शर्ट किस तरह से काट लेना चाहिए। लंबाई है 28 इंच और हम 1 इंच बढ़ा के हम इसका नाप लेंगे, 29 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इस प्रकार से हम इसको सीधा कर लेंगे पहले, और इसका चेस्ट है 41, 41.5 इंच इसका चेस्ट है। तो इसमें हम 10 इंच आर्म होल डाउन करेंगे, आर्म होल का निशान लगाएंगे 10 इंच पे। इस प्रकार से और शोल्डर डाउन करेंगे 2.25 इंच पे। इसका शोल्डर 2.25 इंच पे गिरेगा नीचे, और इस प्रकार से हम इसका निशान लगाएंगे सीधा करके। और 17 इंच पे इसका हम कमर का निशान लगाएंगे। इस प्रकार से आपको बहुत आसानी से शर्ट का कटिंग समझ में आएगा आपको। वीडियो को पूरा देखें। और यहाँ पर हम 2 इंच पे पट्टी के लिए निशान लगाएंगे। इस और यहाँ से हम शोल्डर का नाप ले लेंगे। 18 इंच शोल्डर है तो 18 का आप 9 इंच पे हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, और 1/2 इंच प्लस करके हम यहाँ पर निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और आपको यहाँ पर छाती का 4 भाग में से एक भाग कर लेना है। और आपको यहाँ पर 41.5 इंच इसका चेस्ट है, और 10.5 में एक लाइन कम करके यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। और हम यहाँ पर 2 इंच का लूजिंग देंगे। अब हम यहाँ से लगाएंगे पेट का निशान। पेट इसका छाती से बड़ा है तो 42.5 इंच इसका पेट है। 42.5 को हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे, और 10.5 में एक लाइन ज़्यादा आया है तो हम इस प्रकार से इसका यहाँ पर फिक्स निशान लगा लेते हैं। 2 इंच लूजिंग, और इसी के हिसाब से हम पेट के हिसाब से यहाँ से हिप का मार्का लगाएंगे। इसका पेट बड़ा होने के कारण से हम चेस्ट के साइज से हिप का साइज नहीं लेंगे, पेट और हिप का साइज बराबर लेंगे। और इसका शोल्डर का निशान इस तरह से लगाएंगे।